तो देखिए इस तरह से ना कभी आपने सुने होंगे ना देखे होंगे इस तरह के रेसिपी, एकदम नई रेसिपी फ्रेंड्स, और सिर्फ आपको मिलेगा देखने के लिए रसोई मीना की चैनल पर आपको मिलेगा देखने के लिए। आप वहाँ जाइए, अपना प्यार दुलार दीजिएगा, और इनको बनाने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करने का ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रावा से इडली, जो कि काफ़ी बेहद अच्छे बनने वाले हैं। अच्छे से मतलब है कि आगे बताएंगे हम आपको वीडियो में। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 कप रावा, और ये बारीक वाला है, अगर जरा मोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे कि क्यों नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पे 2 कप रावा हम लेंगे, और यहाँ पे लेंगे 2 कप रावा में हम ध्यान रखिएगा 1/2 कप दही, ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए दही। और यहाँ पे 1/2 इंच लेंगे हम नमक, थोड़ा सा नमक हम लेंगे ताकि टेस्ट में दिक्कत ना हो, और इनको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके लेंगे पानी, 1 गिलास पानी है, यानी कि 1 कप के बराबर पानी है हमारा। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इस तरह से हम रावा को अच्छे से मिलाएंगे। तो हम सारी बैटर को हम अच्छे से मिला दिए हैं, अब थोड़ा सा करके और पानी लेंगे हम। तो टोटल 1 कप पानी हमारा इनमें लगे हैं। तो अब हम इसे रेस्ट पे रख देंगे फ्रेंड्स। मोटी वाली सूजी इसलिए बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो फुलाना ही है। तो करीब करीब इन्हें 20 मिनट से 25 मिनट इन्हें फुलाइएगा, आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, सूजी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो पानी बचे हुए ना सब नहीं लेंगे, थोड़ा सा और पानी लेंगे। सूजी है, बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं, सूजी के लिए भी गर्मी काफ़ी है फ्रेंड्स। तो इन्हें बस इस तरह से मिला देंगे, और मिलाने के बाद आगे का हम देख लेते हैं प्रोसेस। वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, धमाकेदार कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे 25 मिनट हो गए हैं सूजी को रेस्ट पे, तो हम देख लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा सूजी रेस्ट हो गए हैं। तो हम लिए यहाँ पे 3 कटोरी, तो देखिए इस तरह से होना चाहिए, एक ही साइज़ की लीजिएगा। अभी हम क्या करेंगे कि बटर से हम अच्छे से इन्हें ग्रीस करेंगे। आप घी तेल कुछ भी से ऑयल कर सकते हैं इनको ग्रीसिंग, हम बटर से इसलिए करें कि स्मेल थोड़ा कम आएंगे। अच्छे से कीजिएगा क्योंकि धमाकेदार ये इडली बनने वाले हैं, तो हमें तो ग्रीसिंग बहुत अच्छे से करना है फ्रेंड्स। तो चलिए 3 कटोरी को हम पहले अच्छे से ग्रीसिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी कटोरी को हम ग्रीस कर लिए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे करेंगे कि बस थोड़ा थोड़ा करके हम इडली बैटर हम इस तरह से कुछ फैलाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लीजिएगा। तो सभी कटोरी में हम इसी तरह से फैला लेते हैं। तो यहाँ सभी कटोरी में हम ले लिए हैं बैटर को, अब आगे थोड़ी सी धमाका होने वाला है, तो आइए देखते हैं। आइए मेन धमाकेदार तो यहाँ होने वाले हैं, ये है पानी पूरी फ्रेंड्स, किसी ने नहीं बनाया होगा इस तरह का इडली। तो चलिए यहाँ से हम इनको करते हैं फोल्ड, और थोड़ा सा लेंगे बिल्कुल पानी पूरी वाले जैसा स्टफिंग, यहाँ पे चोखा, चोखा बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा लीजिएगा अपने खट्टानुसार इमली पानी, और थोड़ा सा लेंगे हम यहाँ पे सांभर। आप सांभर के जगह पानी पूरी वाला पानी ले सकते हैं। अभी क्या करेंगे हम इनको कि आहिस्ता से यहाँ रख देंगे, एकदम धीरे धीरे रखना है, सब में हम इसी तरह से हम भर लेंगे। तो देखिए इस तरह से गाढ़ी सांभर आप चाहें तो और पतला बना सकते हैं, पतला भी ले सकते हैं, ये पानी पूरी वाला पानी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसी बीच में बैटर को हम और लेंगे, बिल्कुल आहिस्ता से इस तरह से लीजिएगा। देखिए इनको ओपन नहीं रहने देना है, हमें ढक देना है कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा टैप करेंगे तो इसी तरह से सब में हम ले लेंगे। देखिए कितना बढ़िया बने ना, तो ये रेडी हो गए हैं फटाफट इन्हें, चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर गैस ऑन करके ले लिए इडली स्टैंड, इनमें हम रखेंगे लिए 1.5 लीटर पानी, अच्छे से आप देख लीजिएगा कम बेस कर लीजिएगा। यहाँ पर लेंगे स्टैंड को, आप चाहें तो इस तरह से जो रिंग आते हैं ना इस तरह से भी आप ले सकते हैं बीच में रखने के लिए। अब हम बारी बारी से कटोरी को रखेंगे, देर ना करते हुए फटाफट रखिएगा, और बस फिर क्या करना है करीब इन्हें 20 से 25 मिनट अच्छे से स्टीम होने दें। 20 से 25 मिनट बाद मिलते हैं और आगे दिखाएंगे कि आपके पास अगर इस तरह के भी है स्टैंड तो इनमें भी बनाइएगा, लेकिन ध्यान रहे थोड़ी गाढ़ी रहे। चलिए एक पीस बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहले से हम इडली स्टैंड को हम ग्रीसिंग कर लिए थे बटर से, और इनमें भी हम थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, बस ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सब में हम ले लेते हैं। सेम वही प्रोसेस में हम देखिए बताएंगे, यहाँ से ले लिए पानी पूरी, और इनमें हम डालेंगे स्टफिंग इस तरह से, देखिए थोड़ा और ले लेते हैं, और यहाँ पर लेंगे हम इमली पानी, आप देख सकते हैं अपने खट्टा अनुसार लीजिएगा, और सांभर देखिए इसी तरह से हम इनमें भी लेंगे सबको। और एक बात ध्यान रखिएगा कि बस इन्हें कवर ज़रूर कीजिएगा अच्छे से,
और ज़्यादा पतला बैटर मत लीजिएगा, देखिए कितना बढ़िया से ये कवर हो जा रहे हैं। तो आराम आराम से आपको इस पर करना है, क्योंकि हमें भर के लेना है। तो यहाँ पर 25 मिनट हो गए हैं, आइए इनको हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हम दबा करके आपको दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। अब हम बारी बारी से बाहर निकालते हैं, इनको होने देंगे ठंडा। तो जो हम दोबारा हम स्टफिंग किए हैं ना पानीपुरी से, उनको हम ले लेंगे। कैसे लेना है हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लिए प्लेट को, अब हम रख लें इडली स्टैंड। तो यहाँ पे देखिए दो ही में आए हैं, बाकी को हम सादा बना दिए हैं। ध्यान रहे थोड़ा हाथ बचा करके इस तरह से लेना है। बीच में पानी चेक करते रहिएगा कि पानी कम ना हो, ना तो मालूम पड़ेगा कि हमारा इडली कढ़ाई जल जाएंगे और बनेंगे ही नहीं। तो इस तरह से हम इनमें लेट लगा देते हैं, इनको भी 25 मिनट होने देते हैं। तब तक हमारा जो कटोरी वाले हैं ना, उनको ठंडा होने देते हैं। तो चलिए अब बोलिए यहाँ कि हम इनको कैसे सर्व करेंगे। मैम टूट सकते हैं ना, तो आपको तरीका बताते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से हल्के हल्के हाथ से दबाएं इस तरह से, बस हल्के हाथ से, और छोटा सा कोई भी आपके पास चम्मच है तो इस तरह से हिला देते, देखिए कितना बढ़िया से ये निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं, वाओ। तो इसी तरह से हम सबको डिमोट कर लेते हैं। तो आइए अब बारी है कट करके दिखाने का। हम एक पीस को ले लेते हैं और कट करके हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो ले लिए बस बिल्कुल मार्केट जैसा कट करके, और यहाँ से हम इनको हल्का सा कट करेंगे। दिखाते हैं आपको हाथ में लेकर के, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, वाओ, है ना फ्रेंड्स, देखिए। तो चलिए देर ना करते हुए इसी तरह से इनको हम प्लेटिंग करते हैं। अब लास्ट में हम आपको इनको दिखाते हैं। तो इनको भी डिमोल्ड करना बहुत ही आसान है, ये बाकी तो हमारे बच्चे चट कर ही जाएंगे। तो बस इस तरह के ले ले चम्मच, अगर इस तरह के नहीं है तो इनके साइड जो है ना, इनसे भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस इनको आराम से यहाँ से पुश करें और देखिए पलट के, कितना बढ़िया है ना, देखिए इसी तरह से सबको डिमोल्ड कीजिएगा। चलिए फटाफट देर ना करते हुए प्लेटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर ले लिए चटनी, आप पानी पूरी का पानी भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, चटनी भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया लग रहा है ना, वाओ। तो आप कब बना रहे हैं, वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, मिलते हैं, बाय।